अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आई एम अहिम अली कंबो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर एट और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है लॉ ऑफ मैथ एक्शन तो आइए हम आगाज करते हैं लॉ ऑफ मैथ एक्शन माय डियर स्टूडेंट इस टॉपिक का आगाज जो है ना वो हम इंट्रोडक्शन से करेंगे और इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में मैं दो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ This law was introduced by this law was introduced by those scientists C M Gulberg and P Weich, in eighteen sixty four. ये हमारे पास आ, ये स्टूडेंट एक दो दफा ना एग्जाम में बतौर एमसीक्यू क्यू पूछा जा चुका है तो आपको दोनों साइंटिस्ट के नाम और एटीन सिक्सटी फोर में ये ला जो है इंट्रोड्यूस कर है इस ला की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि लाव ऑफ मैथ सेक्शन हमें बताता क्या है लाइट ला ऑफ मैथ सेक्शन हमें बताता है द रेट एट विच a chemical reaction a reaction proceeds proceeds is directly proportional is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मै सक्शन अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें ना तो वाजे तौर पर क्या कहा गया अगर मैं स्टेटमेंट को समराइज करूं तो ये स्टेटमेंट में बता रही है कि रेट ऑफ आ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड से होता है जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये लास्ट लेक्चर में भी ना मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसकी स्पीड उसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तेज होगा अब इसमें एक बात ये मैंने यहां पर टर्म इस्तेमाल की प्रोडक्ट के द रेट एट विच रिएक्शन एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज एक लफ्ज प्रोडक्ट एक एक्टिव मैसेज यहां प्रोडक्ट से मुराद है हासिल जरब जिसे हम हासिल जरब उर्दू में हम कहते हैं हासिल फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव दैट कल टू ट्वेंटी तो मैं कह सकता हूं ट्वेंटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर एंड फाइव यानी फोर और फाइव को मल्टीप्लाई करें जरब दें तो आपके पास ये आंसर आता है तो यह ट्वेंटी इन दोनों का प्रोडक्ट है तो यहां प्रोडक्ट से मुराद ये हासिल जरब है एक्टिव मैस ये एक्टिव मैस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो है कि एक्टिव मेस इज एक्चुअली द कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो हमारी बुक में डायल्यूट सोल्यूशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डीएमक्यूब लेकिन मैं आपको इससे हट के कुछ बात बताना चाहता हूं जो एक्टिव मैस होता है ना ये एक्चुअली रिएक्टेंट का वो मैस होता है विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ ना सपोज आपने एक रिएक्टेंट लिया टेन मोल पर डीएम क्यूब वो जो टेन मोल पर डीएम क्यूब है ना वो सारे का सारा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता उसका एक फ्रैक्शन ऐसा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं देता बाकी यानी सपोज आपने 10 मोल पर डीएम क्यूब लिया इसमें 9.98 पॉइंट नाइन एट मोल पर डीएम क्यूब अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है पॉइंट जीरो टू परसेंट कंसंट्रेशन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर एक्टिव मैस क्या होगा एक्टिव मैस इज दाइनटी नाइन पॉइंट नाइन एट मोल पर

डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ केसी केसी क्या है इक्लिब्रियम uh, कांस्टेंट इसको हम इस, इस चैप्टर में सारा चैप्टर इसके सी के गेद ही घूमता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी माई डियर स्टूडेंट जब आप फारवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ए एंड बी दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी दीज आर द प्रोडक्ट और एक में टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं के एफ समॉल के है के एफ के एफ द फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट सिमिलरली जब यह रिवर्स की मैं बात करता हूं इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी एंड डी दीज आर द रियक्टेंस वायल एंड एंड बी दीज आर द प्रोडक्ट और इसमें मैं एक टर्म ले रहा हूं दैट इज के आर के आर तो के एफ फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट के आर रिवर्स रेट कॉन्स्टेंट एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वह है कंसंट्रेशन माई डियर स्टूडेंट मैं ना कंसेंट्रेशन को स्क्वेर ब्रैकेट में लिखूंगा अगर मैं ए लिखता हूं बी लिखता हूं ये सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जाहिर करते हैं लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखता हूं ए ए उसके गिर स्क्वेर ब्रैकेट बी उसके गिर स्क्र ब्रैकेट तो जब मैं ए और बी के गिर सी और डी के गिर स्क्र ब्रैकेट लिखता हूं तो ये एक्चुअली उनकी कंसंट्रेशन को जाहिर करता है एक और चीज हम ना कंसंट्रेशन के वेरियस यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उसमें हम मोल पर डीएम एम लेंगे उसमें हम मोल्स लेंगे उसमें हम मोल फ्रैक्शन को लेंगे उसमें हम एटमोसफियर या टॉर गैसेस का पार्शल प्रेशर वी विल यूज वेरियस यूनिट्स फॉर कंसेंट्रेशन लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट यूनिट यूज होगा दैट विल बी द मोल पर डी क्यूब तो मैं कंसेंट्रेशन का जो यूनिट यूज करूंगा वो मोल्ड ये बुनियादी चीजें आपके देर में तो कंसनट्रेशन स्क्वेयर ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट होगा वो मोल पर डीएम क्यूब होगा अब अब मैं ना पहले आपके साथ शेयर करूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन पर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन ये अप्लाई करूंगा फिर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूंगा उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर केमिकल इक्विलिब्रियम पर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों बराबर हो जाते हैं फिर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है तो पहले मैं सेक्शन को अप्लाई करता हूं ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन यानी मेरे पास आ गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं कहूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी यानी ए और बी दो रिएक्टेंट है दोनों की कंसेंट्रेशन और दोनों की कंसेंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई कर रही है आई मीन मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया टू परपोर्शनैलिटी जगह पर मैं के एफ फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी मैंने कह दिया कि यहां पे के एफ इज परपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड के एफ इज कार्ड इज कार्ड फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट स्क्वेयर ब्रैकेट ए स्क्र ब्रैकेट बी दोडक्ट ऑफ कंसेशन ऑफ रियक्ट अब आई अब मैं बात करूंगा रिवर्स रिएक्शन पे स्टूडेंट्स जब हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो मेरे पास ये जो सी और डी है अगर रिवर्स की बात करें सी और डी दीज आर द रियक्ट एंड ए एंड बी दीज आर द प्रोडक्ट इनकेस ऑफ रिवर्स रिएक्शन अब रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है यानी रेट ऑफ़ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी तो मैं क्या लिखूंगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी और रेट ऑफ रिवर्स को मैं आर आर से रिप्रेजेंट करता हूं दैट इज कल टू पोर्शनलिटी साइन खत्म करें इसकी जगह पे आपके पास के आर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ टी जब भी स्क्वेयर ब्रैकेट डालेंगे ये कंसेंट्रेशन को ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू आ गया और इसमें जो के आर है दिस इज कार्ड के आर समाल के लिखना है के आर इज कार्ड इज कार्ड, कार्ड रिवर्स रेट कांस्टेंट स्टूडेंट मैंने किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन पे रिवर्स रिएक्शन दोनों पे मैंने लॉ ऑफ मैथ एक्शन अप्लाई किया और इस लॉ के नतीजे में मेरे पास ये दो रिलेशन आ गए अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट जब यही रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों रेट्स आपस में बराबर हो गए अब आप क्या करें रेट ऑफ फॉरवर्ड उसकी वैल्यू पुट करें आपके पास क्या आया के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज कल टू रेट ऑफ रिवर्स के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ बी माई डियर स्टूडेंट अब आप ये काम करें ये जो कंसेंट्रेशन का फैक्टर है इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं और इधर के आर को इधर डिनोमिनेटर में ले जाए तो आपके पास ये क्या बनेगा आपके पास बनेगा के एफ ओवर के आर ये बना या आपके पास ये क्या बन गया आपके पास ये बना कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ डी ओवर ये इधर डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी तो ये आपके पास दो रेशोस आ गए ये ऊपर दोनों क्या है आर द प्रोडक्ट्स, यानी ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है नीचे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आप यूं भी लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया व्हाट इज दिस ये क्या है वन कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे के सी सी हमारी बुक में के सी के एक्स के एन तो के पी लेकिन मोस् हम क्या यूज करते हैं के सी अब के सी के यहां से अगर आपसे कोई कहे कि जनाब आप हमें ना के सी की डेफिनेशन बताए वाट इज के सी तो बात दफा ये क्वेश्चन आते है ना डिफाइन केसी केसी मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप उसकी ये डेफिनेशन करेंगे पहले डेफिनेशन तो ये आ गई ना ऊपर क्या है केएफ व्हाट इज केएफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट नीचे रिवर्स रेट कांस्टेंट दोनों की क्या आ गई रेशियो तो पहले आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि केसी इट इज द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट एक और भी आपके पास है ये वाली डेफिनेशन या ये वाली लो इट इज द रेशो रेशो जब भी बटे में आए ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू आए थे रेशो तो व्हाट इज दिस केसी इज द रेशो केसी मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज द रेशो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एक और स्टूडेंट फॉर फॉर मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर मैं ये लू फॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन की ए टू ए प्लस बी टू बी रिवर्सिबल सी एंड डी टू डी या मुझे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी इनका तो पता है कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स लेकिन ये समॉल ए बी सी डी ये क्या है माई डियर स्टूडेंट ये जो ए बी सी या डी हमने समाल लेटर लिए ये दो चीजों को जाहिर करता है दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये नंबर ऑफ मोल को जाहिर करता है एक और चीज ये जो समॉल ए बी सी है रिप्रेजेंट क्वाफिशियंट ऑफ क्वाफिशियंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्वाफिशियंट ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के क्वाफिशेंट या दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अब अगर आप इसको केसी एक्सप्रेशन दिस वन कॉल्ड द केसी एक्सप्रेशन अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन को केसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आपके पास आएगा के सी दल टू बेटे प्रोडक्ट ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी ये प्रोडक्ट ऊपर आ गए जैसे हमने ऊपर लिखा लेकिन अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना ये इनके ऊपर बतौर एक्सपोनेंट अपियर होंगे नंबर ऑफ मोल्स बतौर एक्सपोनेंट पावर के तौर पर और बिल्कुल इसी तरह आप न्यूमिरेटर में आप ना डिनोमिनेटर uh, में आप रिएक्टेंट्स uh, की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंट के तौर पर होते हैं। तो दिस वन इज द मोर जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपके पास ऐसा रिवर्सिबल uh, रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपोनेंट के तौर पर लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर में लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में आगे बढ़ते हैं हमारे पास है स्टूडेंट यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के यूनिट्स ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछा जाता है जा इसको एहतियात के साथ मैं आपके सामने ना तीन चार केसेस शेयर करता हूं नंबर वन मेरे पास ये रिएक्शन है एच टू प्लस आई टू रिवर्सिबल टू एच आई माई डियर स्टूडेंट ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है मैं इसमें के सी के यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं एक बात दोबारा जेन में बिठा दो जहां भी स्क्वेयर ब्रैकेट होगा मैं इसकी जगह पे दो चीजें लिखूंगा स्क्वेयर ब्रैकेट की जगह पे, मैं इसकी जगह पे ओ एन सी कंसंट्रेशन कौन के लिखूंगा और अगर मैं यूनिट्स में चला गया तो मैं स्क्वेयर ब्रैकेट की जगह पे लिखूंगा मोल पर डीएम क्यू ये ना ये बातें आपने जेन में रखनी है

दो रेक्ट है दोनों की कंसंट्रेशन वो नीचे और प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन ऊपर और इसमें जो नंबर इसमें वन लिखा होता है इधर भी वन लिखा होता है और वो वन यहां ऊपर लिखते हैं वो नजर आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट मेरे पास मैंने कहा जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है वहां पे मोल पर डीएम क्यूब लिखो तो स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन की जगह पे मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब और इसका क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया ओवर इसकी जगह पे क्या आ गया मोल पर डीएम और यहां भी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम माय डियर स्टूडेंट मोल पर डीएम मोल पर डीएम इसका ये मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वेयर ऊपर भी स्क्वायर तो ये आपस में क्या हो गया कैंसर तो इसका मतलब है कि इन दिस केस केस हैज नो यूनिट्स एक बात तो जिन में बिठाए एक बात जो मैं आपको याद कराना चाहूंगा हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होगा वेरी सिंपल याद ये रखना है कि फॉर दोबल रिएक्शन इन विच इफ इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर किसी रिवर्सिपल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद बराबर हो न देन केसी हैज नो यूनिट्स तो इस केस case में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा जैसे कि इधर देखें यह रिएक्टेंट है वन वन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू मोल्स यह प्रोडक्ट है और यह जो टू लिखा हुआ है दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट के मोल्स टू प्रोडक्ट के मोल्स टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना हम कहते जी के टू एच एफ रिवर्सिबल एच टू प्लस एफ टू अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू मोल्स ये देखें वन मोल फॉर एच टू वन मोल फॉर एफ टू तो वन प्लस वन टू मोल तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होगा ये पहली बात आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया नंबर टू पे एन टू प्लस थ्री एच टू रिवर्सिबल ये मेरे पास आ गया टू एन एच थ्री मैं ना के सी यूनिट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका के सी एक्सप्रेशन लिखें जब मैं केसी एक्सप्रेशन लिखता हूं ना तो मेरे पास केसी स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट है अमोनिया है तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमिरेटर में नंबर ऑफ मोल्स बतौर एक्सपोनेंट आ गए ओवर ये दो रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इसका नंबर ऑफ मोल वन है तो वन ऊपर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इसके नंबर ऑफ मोल्स थ्री हैं तो ये थ्री आ गया अगला काम अब क्या करना है अब आपने ये करना है कि जहां पे कंसंट्रेशन का साइन है वहां पे या तो कौन लिखो या उसका यूनिट लिखो तो मैं वहां पे मोल पर डीएम क्यूब लिख देता हूं और इसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन तो यहां पे आप लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मोल पर डीएम क्यूब लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा क्यूब अब इसमें देख लो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट अप हो जाएंगे तो थ्री प्लस वन फोर और ये फोर जब ऊपर जाएगा ये तो ऊपर वाला बेस बिल्कुल सेम है तो फोर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस फोर तो इसका मतलब हुआ वो माइनस फोर टू माइनस फोर तो आंसर आपके पास क्या आएगा माइनस टू तो आपके पास ये क्या आ गया मोल पर डीएम क्यूब और अब आपके पास ये आ गया माइनस टू तो इसका मतलब हुआ तो के सी क्या बना केसी आपके पास बना मोल माइनस टू मोल माइनस टू और डीएम थ्री टू जर सिक्स डीएम तो प्लस सिक्स तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास के सी के ये यूनिट्स इसको याद रखना स्टूडेंट बाज दफा तो इस तरह यूनिट आपसे पूछ लेते हैं वो कौन की सूरत में भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है अगर वो कौन की सूरत में पूछा जाए तो डेफिनेटली ये सारे का सारा जो है ये बराबर है किसके या ये बराबर किसके कौन तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन माइनस टू ये भी आप लिख सकते हैं तो बाज दफा इस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू क्यू बाज दफा इस तरह भी आपसे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एक और हमारे पास है नंबर थ्री पे एक और एग्जांपल पीसीएल फाइव रिवर्सिबल पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू आपसे केसी केसी यूनिट्स डिमांड किए गए बिल्कुल इसी तरह पहले आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल थ्री और साथ ही आपके पास आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव तो जहां पे कंसेंट्रेशन है वहां पे आप क्या लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब तो इसके आप मोल पर और यहां पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन इसके लिए भी आप मोल पर डीएम क्यूब ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव आप लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब तो स्टूडेंट एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसल आउट हो गया ये आपके पास बचा तो इस केस में द यूनिट्स ऑफ केसीआर मोल मोल पर पर या ये किसके बराबर है कौन के तो ये आपको याद रखना होगा माय डियर स्टूडेंट कुछ ये रिएक्शन थे जिनमें आपको केसी यूनिट्स मैंने आपको फाइंड आउट कर आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को पढ़ा और साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर में हमने जिसकी बेस पे ये चैप्टर सारा जो है वो हम पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और आज के लेक्चर के एंड पे हमने तीन डिफरेंट रिएक्शन लेकर रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर हमने उसमें के सी के यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट किए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए असल वरहमल